तकरीबन 22 साल प्लस होगी इसकी उम्र। जब ये दो एक साल का था 20 साल पहले, तब लाया था मैं ये कबूतर, 8 कबूतर लाया था बाहर से, उसमें ये कबूतर ही बचा है बस। और ये 20 साल 18 साल पहले मेरे यहाँ उड़ा हुआ, कई शाम है इस कबूतर की। ये जब आखिरी बार बेरी ने यहाँ से यहाँ तक फाड़ा था, फिर इसे उड़ाना बंद करा था। इसकी आँख देखें, ये घेरे के नाम से फेमस है, घेरा कबूतर है ना, बड़ा घेरा। एक घेरा तो पिट गया, बाज ले गया था मार के। दूसरी आँख देखें, फैजल भाई ये मुद्दों अच्छा, इधर ये भी ले लीजिएगा, ये पंजे, ये प्योर इंडियन ही कबूतर है। हाँ करा लूंगा, वो है ना एक वो दिया था ना फकीर, इसका नाम वो भी ना। मत हो परेशान यार, कह रहा हूँ भेड़ यार। आया आ आ आ आ आ आ वो जो हरा कबूतर देखा था ना मुन्नू भाई, छोड़िएगा मत, ये उसका पट्टा है, पर इसकी माँ गोल्डन थी। ये भी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त कबूतर है। हाँ क्या मिला हुआ है इससे पहले, मादी थी, ये नर है। कौन सा वाला? सारंगपुरी मिला हुआ था, उसका दादा दिया तो था, आप लोगों ने देखा था ना, वो दादा था उसका। हाँ वो दादा था, और बाप वो था काला कबूतर जिसकी ये काली थी। कौन सा कबूतर मिला? चार पांच कबूतर है उसमें। हाँ चार पांच, पांच अलग अलग, वो तीनों बहन भाई थे, चार बल के। ये आप देखिए, ये मुझे लग रहा है कि ये मुझे लग रहा है एम्बेसरी है, लेकिन मैं श्योर नहीं हुआ एम्बेसरी है, लेकिन यहाँ पे एक माशाल्लाह उसकी भी बहुत ही जबरदस्त पहचान है। एक जोड़ ये लगाई है जो इलाहाबाद के रहने वाले, ये वाली क्योंकि अभी अंडा ये दिए हैं, ज्यादातर करता रहता है। ये एम्बेसरी है, ये बहुत, ये भी अभी वापस उड़ने जाएगा बच्चे, अंडे, हाँ अंडे रखे। अगर कल कोई वीडियो देखे वापस उड़ेगा ये, तो वो ये बताएगा भाई आप नाम कुछ ये बोल रहे हैं, लेकिन मैं डाउट है ये आजम भाई हम आए थे ना, 80% मेरा श्योर है कि ये एम्बेसरी है। तो सर भाई ये एम्बेसरी है, ये वालिद साहब वाले हैं, ये नहीं है, ये ललसरे कबूतर है, अम्बलसरों में से ये ललसरे कहलाते हैं, लेकिन इसको तो एम्बेसरी ही बोलते हैं हम लोग। नहीं हमारे यहाँ ये लाल है ना, हाँ बस बस वही, तो क्योंकि आपके वालिद साहब के कबूतर है, मैंने पहले ही बताया इसमें मेरा शोर नहीं है, ये आप यहाँ सुंदर बोलते हैं ये, लेकिन कबूतर बहुत बढ़िया है, लेकिन आज के दौर में ये कबूतर नहीं है, ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो मेरे पास ये कबूतर थे लगभग लगभग 12 साल पहले की बात है, फिर एक बीमारी आई थी उसमें वो नहीं मतलब मर गए, लेकिन माशाल्लाह उसमें कोई मतलब रेड आइस कोई कबूतर नहीं है, वो जो कुछ राला का ये कबूतर उसके दादा की वजह से बहुत ही कम अभी देखने को मिलता है, और अगर किसी के पास है तो वो है किसी के पास, लेकिन आज हाँ वही तो जो हम आए थे ना जगह में जाता हूं, उसमें से ही है वो कबूतर बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब इसरार भाई बोल रहे हैं मेरे वालिद साहब के, यानी कि बहुत ये भी तकरीबन हाँ 24-25 साल से ये नस्ल चली आ रही है, उसमें से 25 साल पहले वाली नस्ल है, लेकिन आज के दौर में ये बहुत ही कम है। माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर है, लेकिन इनका क्रॉस जब भी इनको क्रॉस करते थे ना बहुत ही टफ, तो देख के इनको क्रॉस करना पड़ता था, इनके बच्चे दिन सारा दिन उड़ते थे, लेकिन मेरे पास थे वो, फिर वो मर गए थे, एक बीमारी आई थी, लेकिन माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कबूतर। अभी खोलेंगे ना सब, इसके पर देखिए दो पर इसके आठवां के नीचे छुप जाते हैं, यहाँ बिल्कुल ये देखिए गोश नहीं है, तकरीबन तीन साढ़े तीन चार बजे तक सील लग के बैठा, बगल के पर देखिए पर कटे हुए हैं, ये इसका दुम है, ये इसके पंजे है, जामनी पंजे है, ये गोरे वो बता ना, ये इसको देखिए इन कबूतरों में ये मादी लगी है इससे।
ये माशाल्लाह ये भी जबरदस्त मादी है। ये घर की बर्थडे बनाई हुई, ये इसके घर की बर्थडे, इसका जोड़ लगवाए थे, ये अभी जो टूर्नामेंट हुआ था ना, और अच्छे उड़ते थे, सारा दिन उड़ते थे, कुछ साल पे मतलब मैं अमृतसर जाता रहता हूँ, ये अभी जो प्राइज में आए थे ना, कल इसे ये प्राइज बैठा था, इसी का सेकंड था, दोस्त भी है बहुत सारे, तो वहाँ पे उनके पास में इस तरह के कबूतर मैंने बहुत बार देखे, लेकिन आज के दौर में भी वहाँ पे भी नहीं रही कबूतर, लेकिन वहाँ पे ये गर्मी में बहुत अच्छा रिजल्ट करते थे इस तरह के कबूतर। ये इसका पर है, देखिए ये इसके दुम है, ये इसके पंजे के कबूतर, और ये और एक मादी है माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त मादी है, और इसके देखिए इसके साइज में ज्यादा भाई बहादुर बैठा अभी, इसी तरह कितने बजे बैठा था, 2 बजे बड़ा है तो 8 घंटे भाई, और दूसरी उड़ान में रात रहेगा, मीडियम निकलेंगे उसमें भी, इसका नंबर लगता, लंबी थोड़ी सी लंबी कबूतर होती है, मादी भी वैसे लाती है उसकी माँ, तो इस तरह ना वो छोटे से वो अगर हड्डी किसी का छोटा है थोड़ा सा, लेकिन अच्छी मादी ना, लेकिन थोड़ा सा बड़ी हड्डी वाला नर लगाए उसमें लाना, वो काले पर वाला, और ये भी अच्छी मादी ना, काले पर वाला मीडियम साइज की, ये इसके पर है, ये बगल के पर है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए बहुत अच्छा शौक हुआ, और यहाँ हम लोग 3 दिन से यहाँ पर है, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से जितने भी हमारे अजीज है दोस्त है और जितने कबूतर परवरी में है सारे लोगों से मैं एक ही मैसेज देता हूँ, मैं हर एक वीडियो में ये कहता हूँ कि पहली बात है कि अल्लाह ताला आप सबको इज्जत दे, और हर एक जो जितने भी लोग टूर्नामेंट खेलते हैं अल्लाह ताला सबको इज्जत दे, और आप लोग मेहनत करें, जरूर मेहनत का फल मीठा होता है, ये आपको भी पता है, लेकिन सब्र जिससे बने करना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करें और कबूतर बनाए, अच्छे कबूतर बनाए, ऐसा ना करें कि कबूतर जाया करे मामू, और कबूतर देख के उड़ाए, सर्दी में यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी जगहों में बाज भरी है, और आप लोग जो सर्दी में कबूतर मतलब ऐसे उड़ाते हैं, हम बाज भरी लेके जाते हैं तो नुकसान हो जाता है उससे, उसका ख्याल रखे, और सबसे मेरी गुजारिश है आपस में भाईचारा में बैठे, कोई इसमें खुदा न खास ऐसा एक दूसरे के साथ ये ना करे जिससे ये शौक खराब हो जाए, और अल्लाह ताला आप सबको इज्जत दे और अपने मकसद में आप सब कामयाब हो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और आपका भी चैनल बनाने वाले को भी मेरी पूरे कश्मीर टीम की तरफ से और मेरे पूरे शागिर्दों की तरफ से मैं तहदिल से आपका इमरान भाई को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और इसने अपनी एक ये लॉन्च की कल, तो मिशन लॉन्च की, तो उसका भी मैं तहे दिल से उसको मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि पूरे ऑल इंडिया में कबूतर परवर वो इंशाल्लाह ज़रूर इनसे ये करेंगे और रابطہ करेंगे, और देखिए इसका क्या प्रोडक्ट है, उसके लिए भी मैंने कल देखा है, बहुत ही अच्छे इंसान है, और बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ पर आए इसने इज़्ज़त दी और यहाँ के लोगों ने इज़्ज़त दी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इसके पर देखें, ये इसके पर है माशाल्लाह, जैसे मैं हर बार यही ही बोलता हूँ कि जब भी आप पर खोले ना, ये कम से 9वां 10वां 8वें के नीचे होना चाहिए, देखिए इसके पर वो 9वां 8वां 9वां 10वां, ये देखिए, और ये बगल के पर देखिए, और यहाँ ये बिल्कुल गोश नहीं है, और ये इसका धूम है, और माशाल्लाह ये देखें, ये कबूतर मुझे पसंद आई, और ये दूसरी बार ये वीडियो बनाना पड़ा, मैंने उनको बोला भाई इसका वीडियो बना, क्योंकि मुझे बहुत ही जबरदस्त मादी लगी, और एक नर थोड़ी देर पहले वो नर दिखाया ना, वो नर लेके आप नर लगाए नहीं, वो ये वाला ये जिसके गड्ढा नहीं, हाँ जी, ये नर बिल्कुल, ये भी मुझे बहुत ही पसंद आया, लेकिन पहले नहीं दिखाया था, चले अभी दिखाया उन्होंने, और इसकी और एक वीडियो बन गई, ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नर है, ये मुझे पसंद है, ठीक है, तो ये इसने थोड़ी देर पहले ही मंगवाए, लेकिन ये तो इसरार भाई को ही पता है कहाँ से मंगवाए, लेकिन माशाल्लाह ये देखिए इसका जो इंजन है, इसका ना मैंने इंजन ही रखा है, बल्कि ये चीज़ अगर मजबूत हो तो कबूतर मजबूत है, ठीक है।
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जोड़ भी सही है अपनी जगह, जोड़ भी मजबूत होना चाहिए। मेन चीज़ ये हड्डी है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाई ये मेन चीज़ है, ठीक। उसके बाद पर है, ये पर देखिए, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आठवें के नीचे नवा और दसवां छूना चाहिए, देखिए पर खुलने नहीं देता, ठीक है। ये हड्डी अंदर में जो है ये भी बिल्कुल छोटी, और सामने देखिए इसके कुंदे देखे, और ये तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। और एक मादी थी वो जरा फिर से दिखाएं, ये मादी जो है ना ये भी बाहर से इसे मंगवाए, लेकिन मुझे लग रहा है इसका फकीर गोल है इसके अंदर में शायद, तो आप तो यही बता सकते हैं इसके अंदर में क्या है। कुछ हद तक इसके अंदर में फकीर गोल है, वो भी बाहर से जो मैंने पहले दिखाया, बहुत ही अच्छा कबूतर है, बहुत ही अच्छा बिजनेस, बहुत ही अच्छी मादिन है, लाजवाब, जितनी भी तारीफ करे कम है। और इसके अंदर भी मैंने कुछ ऐसी खूबी देखी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो बहुत ही अच्छे हैं। और इसके पर बहुत ही ज़बरदस्त पर है, क्योंकि जब तक आप इसको हाथ में नहीं पकड़ोगे तब तक आप लोग महसूस नहीं करोगे कि क्या वाकई इसके इतने मुलायम पर है, बहुत ही मुलायम पर है। देखिए बगल के पर परिया, और इसके लंगूट, ये इसके लंगूट हैं, और ये इसके दुम है, और हड्डी, ये देखिए माशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यहाँ इसने शो करवाया, बहुत ही अच्छे कबूतरों का शो करवाया, बहुत कबूतर इसमें अच्छे लगे मुझे, बहुत अच्छे कबूतर लगे, कुछ कबूतर इसमें और भी ज्यादा अच्छे लगे।